हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं निकलूंगी टाइम्स 17 चैप्टर में टाइम्स मालूम है ना, घड़ियाल देखना किसको किसको आता है। कल भी मैंने समझाया था घड़ी के कितने कांटे होते हैं, हैंड थ्री हैंड्स। वन किसका है, मिनी, सेकेंड मिनट और आवर। आवर हैंड सबसे छोटा होता है, हैं सेकेंड के में और ये के मिनट के हैंड लंबे होते हैं, लॉन्ग, और सेकेंड के कंटिन्यू चलते रहता है। यस और नो? हाँ, तो इसमें हमें देखना होता है हैंड कौन सा हैंड किसके ऊपर है, वन के ऊपर, टू के ऊपर, थ्री के ऊपर, इस तरह में हैंड में करना होता है। हाँ, तो हमें अब देखो असाइनमेंट टू में एक एक बना के मैं एक दिखा रही हूँ, और आप लोग को जिसके पास बुक नहीं है जल्दी जल्दी हर घड़ियाल ड्रॉ करना है सबको। घड़ियाल जो है एक 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 ड्रॉ करके तभी आपको लिखना है, समझ में आया? देखो फर्स्ट नंबर में घड़ियाल बनाओ, पहले समझाऊंगी, जिसके पास बुक है वो भूलना नहीं लिखने में, सबसे पहले बुक में कंप्लीट करोगे, और जब तक मैं यहाँ कर रही हूँ तब तक आप लोग नोटबुक में भी बना सकते हो, लिंक करके डेट, क्लास वर्क, चैप्टर ये लिखना है, सब्जेक्ट। ओके, सेंटर में यहाँ 12, यहाँ 6, सीधा सीधा दोनों सेंटर में। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, सिक्स इधर है, 7, 9, 10, 11, और पहले फर्स्ट नंबर में किसके ऊपर शॉर्ट हैंड किसके ऊपर है, आवर के 10 के बीच में, 10 और 11 के बीच में है, ध्यान में रखो कहाँ पर आपको 10 11 के बीच में मतलब आपको ध्यान रखना है, ये अलग आएगा। और लॉन्ग हैंड किसके ऊपर है, हाँ 6 के ऊपर, लॉन्ग हैंड 6 के ऊपर। तो यह क्या लिखा हुआ है, डैश आवर्स डैश मिनट्स डैश आवर्स और डैश मिनट्स, क्या आएगा बोलो? आवर्स के हैंड कहाँ पर है, 10 और 11 के बीच में, और तो मतलब 10 के निकल गया, 10 बज गया, तो आवर्स कितना आएगा, 10 आवर्स। यस, तो नेक्स्ट कितने हुई है, ये किसके ऊपर है, 6, तो 6 घर आ गए उसने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5 जा, एक एक घर के कितने मिनट मैंने बताया था, 5 मिनट्स, 60 सेकेंड में एक मिनट होता है, कितने 60 सेकेंड, और 60 मिनट में 1 आवर, 60 टाइम में घूमते जाए तो भी होगा 1 आवर। तो यहाँ पे मिनट कितने मिनट आया, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5 जा 30, टेबल ना जानो मल्टीप्लिकेशन किसी में नहीं होगा, टेबल ना होते कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप टेबल के कौन कौन लर्न कर रहा है बोलो तुम, डेली हमारा टेबल हो रहा है, लेकिन आप लोग लर्न नहीं कर रहे हो, क्या
मिनट्स हो गया, 10 बज गए और 30 मिनट्स है, 11 में गया नहीं वो आधे में है। यस, आपको शॉर्ट हैंड जैसा देखना है, लॉन्ग हैंड भी आपको देखना है। क्या आवाज कहाँ से आ रहा है? नेक्स्ट टू नंबर का देखो। सीधा सीधा आधे में सिक्स आएगा ना, इधर रख लेगा, 1 2 3 4 5 सिक्स इधर है, 7 8 9 10 11। अब इसके आवर कहाँ पर है, हैंड कहाँ पर है, शॉर्ट हैंड किसके ऊपर है, 2 और 3 के बीच में, मिडल में, कहाँ पर, 2 और 3 के बीच में, मिडल में, 2 और 3 के बीच में। और लॉन्ग हैंड कहाँ पर है, किसके ऊपर, 8 के ऊपर, लॉन्ग हैंड 8 के ऊपर। तो देखो यहाँ में लिखा डैश आवर्स, डैश आवर्स और डैश मिनट्स, यस मिनट्स, डैश आवर डैश मिनट्स। तो ये आवर्स के खंड कहाँ पर है, 2 और 3 के बीच में, 2 से चले गए आगे, हैं 2 से आगे चले गए तो कितना होगा, 2 आवर्स हो गया। अब 8 कहाँ पर है, 8 के घर में, तो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 5 जा 40 मिनट्स। नोटबुक कहाँ है, बनाओ, उसमें भी बनाना था। हो गया, लिख लिया आप लोगों ने, हाँ लिख लो। कितना मिनट हो गया, तो 8 5 जा कितना होता है, 40। ठीक है, अब कौन सा नंबर कर रही हूँ, मैंने बोला तो 3 नंबर थर्ड में, यहाँ नंबर दिया नहीं लेकिन आप लोग
नंबर रखना। सुनो आप लोग यहाँ आते हो आए अच्छा ये बात में बताए तो वीडियो चालू ना। अभी थ्री नंबर देखो, थ्री नंबर में क्या है, पहले फर्स्ट नंबर हम सबके दिमाग ऐसे ही चलता है क्या कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, एक बेल एक वन पीरियड का बेल बजा ओके। चलो अब देखो बड़ा लॉन्ग हैंड कहाँ पर है, और डैश मिनट्स।
यस सभी। अब देखो इसके और नंबर का कौन सी सुई कहाँ पर कांटे कहाँ पर है? लॉन्ग हैंड है, फोर पे, फोर पे लॉन्ग हैंड, फोर फोर पे और शॉर्ट हैंड 11 और 10 के बीच में, शॉर्ट हैंड 11 और 10 के बीच में, 11 और 12 के बीच में। तो हमने यहाँ क्या लिखना है, यहाँ क्या लिखना है? डैश डैश आवर्स मतलब कितने आवर से है, दस आवर्स, कितने आवर्स? 11 आवर्स, 11 और मिनट कितना है, तो कितने घर गया? 1 2 3 4 फोर फाइव जा 20 मिनट्स, दस आवर्स 10 मिनट्स। आप लोग समझ रहे हो ना, खाली लिखते जा रहे हो? समझ रहा है, समझ रहे हो कौन सी कांटे में कहां पर जा रहा है?
बढ़िया बना लिए आप लोग? नॉट वुमेन हो गया सबका? सेम होना चाहिए नहीं? ऊपर है सेकंड वाले में थ्री के ऊपर शॉर्ट भी थ्री के ऊपर और लॉन्ग भी थ्री के ऊपर लॉन्ग भी थ्री के ऊपर और शॉर्ट भी थ्री के ऊपर बोल कर डस्टर इधर आते थे बोले मैम डस्टर इधर क्या हुआ इधर कितना टाइम हुआ हमने कितने आवर्स लिखना है थ्री आवर्स दस आवर्स हाँ दस आवर्स और कितने है तीन के घर तो मतलब वन टू थ्री थ्री फाइव जा थ्री फाइव जा कौन टेन बोले टेबल बोल रही हूँ थ्री फाइव जा थ्री फाइव जा टेन होता है देखो मामू डॉक्टर
सिर्फ जा 15 मिनट्स हो गया। नेक्स्ट आप लोग लिखो, हो गया सबके।